today's class, which is in continuation of the chapter Human Health and Diseases. In previous classes, we have learned about innate immunity, and today we will be discussing types of acquired immunity. So, let us begin with types of acquired immunity. Acquired immunity, it is the resistance acquired by an individual during lifetime is called as acquired immunity. सिंपल वर्ड में इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से अपने को समझना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जीवन जीते जीते अपनी बॉडी वेरियस पैथोजन के अगेंस्ट, वेरियस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो प्रतिकार करना सीखती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स है. नंबर वन है एक्टिव इम्यूनिटी एंड नंबर टू है पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी को बहुत आसान तरीके से मैं समझा के बता दी आपको. एक्टिव इम्यूनिटी मतलब इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिम्युलस. इट इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब रोग प्रतिकार शक्ति. डेवलप बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिम्युलस. जैसे कोई भी पैथोजेन जब अपने बॉडी में एंटर होता है तो उस पैथोजेन की जो सेल है, पैथोजेन मतलब वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजेन की जो सेल है, पैथोजेन के सेल के बाहर की तरफ से जो एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीजेन. एंटीजेन अपने बॉडी को इरिटेटिंग है, वो फॉरेन पार्टिकल है. जब पैथोजेन बॉडी में एंटर होगा तो उस एंटीजन की वजह से जो बॉडी के सेल्स को इरिटेशन होता है और इरिटेशन होने के बाद इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होती है और इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो प्रकार है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो नेचुरल मेथड से अपने बॉडी में डेवलप होती है वो है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको कोई डिसीज हो गया और उस डिसीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गया. डिसीज होना कोई आर्टिफिशियल बात नहीं, वो तो नेचुरल बात है. और उस डिसीज के अगेंस्ट जो अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गया वो है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. So, it is acquired due to infection. It is developed after the entry of pathogen in the body. It is long lasting. For example, any person who has recovered from the attack measles develop a natural acquired active immunity to measles for lifetime. कोई भी व्यक्ति जिसको measles हुआ है, जब सबसे पहली बार मीजल्स के पैथोजेन बॉडी के अंदर एंटर होंगे, उस पैथोजेन का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होंगे. लेकिन हर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है अपनी इम्यून सिस्टम. तो उस एंटीजन को पहचानने के लिए और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने के लिए थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि ये पहला अटैक है इसलिए. तो उस इतनी देर लगेगी एंटीबॉडीज बनाने के लिए, उतनी देर में वो पैथोजेन मल्टीप्लाई होगा और अपने को मीजल्स हो जाएगा. लेकिन जब दूसरी बार मीजल्स के पैथोजेन बॉडी में एंटर होंगे तो अपने बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो अपने को मीजल्स नहीं होगा. मतलब दूसरी बार मीजल्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं. तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने मीजल्स का. बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चिकन पॉक्स है. तो ये जो डिसीजेस है, ये डिसीजेस एक बार होने के बाद दूसरी बार उनके अगेंस्ट अपने बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है, उसे बोलते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. उसका दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इट इज इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन एंड वैक्सीन इज इंजेक्टेड इन द बॉडी टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ एंटीबॉडीज बाय इम्यून सिस्टम। ये वैक्सीन क्या होता है? एक प्रकार की टारगेट प्रैक्टिस है, जैसे मिलिट्री में होती है। टारगेट दे दिया जाता है सोल्जर्स को कि चलो गोलियां चलाओ प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही समझो ये वैक्सीन है। मैंने यहां पर लिखा ये वैक्सीन के अंदर, अगर ये वैक्सीन डिप्थेरिया का है तो इस वैक्सीन के अंदर डिप्थेरिया के पैथोजेंस है, लेकिन वो पैथोजेंस कैसे है? वो पैथोजेंस है इनएक्टिव। जब ये वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट होगा तो ये पैथोजेन डिप्थेरिया के पैथोजेन बॉडी में इंट्रोड्यूस होंगे और अपने इम्यून सिस्टम को भी इस पैथोजेन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और अपनी इम्यून सिस्टम इस डिप्थेरिया के पैथोजेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना सीख जाएगी, ताकि जब दूसरी बार डिप्थेरिया के पैथोजेन बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो अपने बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार हो रही और डिप्थेरिया के पैथोजेन को वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है वैक्सीन के द्वारा, इसे ही बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। एग्जाम्पल है वैक्सीन के, बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है। दूसरा है पोलियो वैक्सीन, डिप्थेरिया वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब अपनी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम खुद कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, किसी एनिमल से या फिर मदर से एंटीबॉडीज ट्रांसफर होते हैं। मदर से मतलब वो बच्चे के बॉडी में, और एनिमल का एग्जांपल नहीं लिया तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में अगर पैथोजेन, अगर एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर नेचुरली एंटीजेन आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड बाय बॉडी सेल्स। मतलब इसमें क्या होगा, इसको पैसिव इम्यूनिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, तो ये पैसिव हो गए। इसके दो टाइप्स है, एक है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। नेचुरल है मतलब ये नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज बॉडी में आए हैं। जैसे बिफोर बर्थ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर ट्रांसफर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा। जब फीटस डिलीवर नहीं हुआ, वो मदर की यूटरस में है, तब प्लासेंटा के द्वारा मदर से फीटस को एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है। वो जो एंटीबॉडीज प्लासेंटा के द्वारा ट्रांसफर होती है वो एंटीबॉडीज है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको ट्रांसप्लासेंटल ग्रोथ भी बोला जाता है। बिफोर बर्थ जब बच्चा डिलीवर होता है तो फिर से मदर की एंटीबॉडीज इन्फेंट में ट्रांसफर होती है थ्रू कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मतलब फर्स्ट मिल्क, पहला दूध। उस कोलोस्ट्रम, दैट कोलोस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज IgA। कोलोस्ट्रम में IgA ये जो एंटीबॉडीज है ये ज्यादातर पाए जाते हैं और ये मदर से इन्फेंट में एंटीबॉडीज ट्रांसफर होने का जो सिलसिला है दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और जब फीटस मदर के यूटरस में है तब ये एंटीबॉडीज फीटस का प्रोटेक्शन करते हैं और आफ्टर बर्थ मदर की IgA ये एंटीबॉडीज इन्फेंट का प्रोटेक्शन करते हैं। सो दैट एंटीबॉडीज रिसीव बाय बेबी फ्रॉम मदर रिमेन इन द बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। मतलब ये कैसे हो गई इम्यूनिटी? ये हो गई शॉर्ट ल्यू, मतलब टेम्पररी। दूसरा इसका टाइप हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं, इसमें
बॉडी में एंटर होता है पॉइजन, तो उसके अगेंस्ट अपनी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। पर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए जितनी देर लगेगी उतनी देर में तो क्या होगा, वो वेनम इतना पॉइजनस होता है कि अपने वो पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए एंटीवेनम, जैसे एंटीवेनम कैसे बनाते हैं, तो ये वेनम है, वेनम को बहुत थोड़ी मात्रा में मंकी में इंजेक्ट कर दिया, फिर मंकी के बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई उस वेनम के अगेंस्ट, उस एंटीबॉडीज को फिर वो जो एंटीबॉडीज है उस एंटीबॉडीज को फिर वही एंटीबॉडीज एंटीवेनम जिसे बोलते हैं उसी एंटीबॉडीज को एंटीवेनम बोला जाता है, और वही एंटीबॉडीज ह्यूमन बीइंग को आपस में क्वाइट मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटीवेनम। टिटनेस का टिटनेस का टॉक्सिक रेजिन बनता है, और रेबीज जो डिजीज है जो डॉग बाइट से होता है रेबीज, तो इसकी इसके अगेंस्ट भी हाइपर इम्यूनाइज फॉर्सेस की एंटीबॉडीज यूज होती है। तो ये भी जो इम्यूनिटी है ये भी है शॉर्ट। तो यहाँ पर हम आज रुकते हैं, और इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स इन्वॉल्व इन